हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रूथ टेबल का यूज ना करते हुए हम कोई भी फंक्शन को कैसे टॉटोलॉजी प्रूफ कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन टर्म एंड एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसलिए तो इस स्टेटमेंट को हम टॉटोलॉजी प्रूफ करेंगे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल के। तो टॉटोलॉजी मतलब वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड या टॉटोलॉजी सेम होता है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये टॉटोलॉजी है, ये स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, या फिर आप कह सकते हो ये स्टेटमेंट वैलिड है ट्रूथ टेबल का यूज ना करते हुए। तो उसके लिए जो आप सीएनएफ डीएनएफ में हम रूल्स यूज करते थे वही सेम यहाँ पे भी यूज करना होगा। और उन रूल्स का यूज करते करते हमें क्या कहाँ तक पहुँचना है, हमें स्टेटमेंट इक्वल टू ट्रू लाना है। क्या लाना है, ये स्टेटमेंट अंत में हमें ट्रू निकालना है। अगर ट्रू हुआ तो ये हमें हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये टॉटोलॉजी है। तो ये स्टेटमेंट इक्वल टू ट्रू हमें लाना है। तो होप आपको ये सारा चीज़, ये सारा जो क्वेश्चन था, मतलब ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर होगा। तो मैं थोड़ा सा ये वाला चीज मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। जैसे कि और ए और ट्रू हुआ, मतलब जहां पे भी ट्रू स्टेटमेंट आया और के साथ वहां पे आप ट्रू लिख देना, और जहां पे भी एंड स्टेटमेंट आया फॉल्स के साथ वहां पे आप फॉल्स लिख देना। क्लियर बात, क्योंकि हमें पता है कि ट्रू हुआ, एक ट्रू हुआ तो आंसर ट्रू आ जाता है, और एंड पे एक फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आ जाता है। आप ट्रूथ टेबल देख सकते हो। और ये दो चीज क्या है, ए और फॉल्स, यहां पे क्या होगा और के साथ यहां पे जो ए और फॉल्स का आंसर आएगा ए, क्योंकि फॉल्स हो रहा है इसलिए जो आंसर आएगा वो डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। अगर ए का वैल्यू फॉल्स हुआ तो फॉल्स आएगा आंसर, अगर ए का वैल्यू ट्रू हुआ और करके आंसर फॉल्स आएगा। इसलिए ए का वैल्यू जो होगा वो आंसर आएगा, इसलिए हम ए और फॉल्स का आंसर ए लिखते हैं। वैसे ही ए एंड ट्रू का आंसर हम ए लिखते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है जब ए एंड ट्रू होगा। तो ये आप ध्यान रखेगा। और सी एन एफ डी एम एफ में तो हम तो ये सब चीज़ें कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यही एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको हमें ट्रू प्रूफ करना है, ये वैलिड या टॉटोलॉजी प्रूफ करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, हम जो इम्प्लीकेशन है उसको निकालेंगे। अब जो अंदर का इम्प्लीकेशन है उसको पहले निकालते हैं। ठीक है, अब अंदर का इम्प्लीकेशन निकालेंगे तो इम्प्लीकेशन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, और ए, सॉरी नॉट ए और बी। अच्छा, एक और चीज, और का साइन ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों मिक्स करके मत देना, मेरा तो मिक्स हो जाता है। तो ये नॉट का साइन है। ठीक है, नॉट ए और बी, ये हो गया, ये वाले को हमने कन्वर्ट कर दिया नॉट ए और बी। फिर एज इट इज इसको लिख देते हैं बी। अब बाहर का इम्प्लीकेशन को हटाएंगे तो क्या होगा, इस पूरे का नॉट आएगा, ये पूरा इम्प्लाइज बी, तो इस पूरे का नॉट आएगा, तो मतलब नॉट, और इसको एज इट इज लिखेंगे ये क्या हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस नॉट को अंदर अंदर डालेंगे, मतलब डी मॉर्गन से अप्लाई करेंगे। तो इस नॉट को अगर अंदर डालेंगे तो क्या होगा, तो नॉट को अंदर डालेंगे, यहाँ पे कितने टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो नॉट को अंदर डालेंगे तो नॉट ये एज इट इज बैठेगा ए और बी, ये एंड का बन जाएगा और ये नॉट इस ए पे चला जाएगा, मतलब नॉट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, फिर और बी। ठीक है, अब बाहर एक और नॉट है तो ये नॉट ये अंदर पे जाएगा, ये नॉट इस वाले अंदर पे जाएगा,
तो नॉट को अगर हम अंदर डालेंगे तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि नॉट ए, अगर बाहर नॉट होता है तो उसका आंसर क्या आता है, ए, है ना। तो इसलिए तो ये वाला नॉट अगर अंदर जाएगा तो क्या होगा, नॉट नॉट ए, मतलब आंसर आएगा ए, और का बन जाएगा एंड और बी के ऊपर लग जाएगा नॉट, और यहाँ पे एज इट इज नॉट और ए, और बाकी सबको हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। हम क्या कर रहे हैं, इस ए के साथ ये पूरा और ये वाला और नॉट ए लेते हैं, मतलब ए ये वाला पूरा लेते हैं और नॉट ए इस एंड को मिडिल में छोड़ते हैं, फिर इस बी के साथ ये पूरा लेते हैं, मतलब नॉट बी और नॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर बाहर में और बी, ठीक है। अब ए और नॉट ए प्रॉपर्टी क्या था, ए और नॉट ए क्या होता है, ट्रू होता है, तो ए और नॉट ए इधर पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो ए और नॉट ए हमको पता है क्या आएगा, ट्रू, तो ये वाला ये ट्रू आएगा, एंड नॉट बी और नॉट ए, अच्छा फिर बाहर बी एज इट इज, अच्छा ट्रू एंड समथिंग क्या होता है, ट्रू वैल्यू के साथ अगर एंड होता है, मतलब ए एंड ट्रू का आंसर आया था जैसे ए, उसी तरह से ट्रू हो रहा है इस चीज के साथ, तो ट्रू एंड ये चीज, तो ट्रू हट जाएगा, सिर्फ ये चीज होगा, है ना। तो नॉट बी और नॉट ए और सब कुछ हट गया, तो और बी। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या होगा, नॉट बी ये इस बी के साथ चला जाएगा, नॉट बी और बी मिडिल पे, अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव अब लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सभी और आ गया है, अगर एंड होता, एंड और होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते, यहाँ पे तो सारे और आ गए हैं, तो आप सिंपली ये वाला बी नॉट बी और बी इसको एक साथ लिखते हैं, फिर और नॉट ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं प्रॉपर्टी नहीं जाएगा, ये नॉट बी को इस और बी के साथ हम लिखते हैं, तो नॉट बी और बी इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, ट्रू और नॉट ए, ट्रू और नॉट ए, तो ट्रू के साथ कोई भी और होता है तो क्या आंसर आता है, ट्रू। तो हेंस हमने ये प्रूफ कर दिया ये इज इक्वल टू ट्रू होता है, तो इसलिए हम ये हमें कह सकते हैं कि हमारा ये स्टेटमेंट एक टॉटोलॉजी है, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कर दिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।